होली के दिन रंग की जगह चले पत्थर, छेड़खानी का विरोध करने पर फोड़ा सिर, बाप बेटी को किया बुरी तरह घायल, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा। सुल्तानपुर में शराब के नशे में पहले तो कहा सुनी हुई, बाद में मारपीट और इसके बाद सिर फूटे। इस मामले में जब पूछताछ हुई तो काफी बड़े बड़े इल्जाम भी लगे। पूरा मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां के लोग आराम से होली खेल रहे थे कि इसी दौरान मारपीट की वारदात पेश आ गई। पीड़िता का आरोप है कि वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी गांव के ही नितेश, गुलशन, विकास और बबलू आए। पीड़िता का कहना है कि नितेश जबरदस्ती उसका हाथ खींचकर अपने साथ ले जा रहा था और जब उसने विरोध किया और उसकी बहन और पिता उसे बचाने आए तो आरोपी ने उसकी बहन और पिता को पत्थर से मार दिया। जबरदस्ती हम कलाई की लाद रहे, फिर हम जात ना रहे, बाबू मार तो हाल लगाए ने, बाबू मारा है, दिया गया तो फिर बाबू को मैं मारे यहीं चला। कौन लेके जा रहा है? नित्या। जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। तो नित्या से रहे गुलशन हरे ने। दारू पे हैं। राय पर घिर राय लेके जा रहे, जात ना रहे, तब वो जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। छोड़ा रहे, छोड़ ना रहे, फिर बाबू मार देखे, पीड़िता की बहन को बुरी तरह चोट लगने की वजह से उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वहीं उसकी मां भी लगातार आरोपियों पर इल्जाम लगाते हुए इस वारदात की तस्दीक करती नजर आई। मेरे लड़की का हाथ पकड़े तो मेरे आदमी जो ना देखे, हम घर में नहात रहे, जो हम बाहर निकल के आए तो हाथ पकड़ के ले जाते रहे, तो मारी नहीं। गुलशन रहे, नितेश रहे, ईटस मारी, लड़की को मेरे दोनों हाथ पकड़े रहे, दोनों को हम घर में नहात रहे, हाथ पकड़ के लेके जात रहे कहूँ कहाँ, तो ये देखे पहुँचे मेरे मालिक, तो इनका मार दिए, तो हम घर से बाहर निकले, तो बड़की लड़की निकली पहले तो वका मार दी, तो ये फिर हमसे बता कि उसे नहीं मार दी, घर से ईटा लेके सब ईटक मार की। वही इस बाबत ग्राम प्रधान ने बताया कि आराम से डीजे पर सभी लोग होली खेलते हुए नाच गा रहे थे, इसी दौरान शराब भी चली, यहीं पर मारपीट हुई जिसमें पीड़ित और उनकी बेटी बुरी तरह घायल हुए। साथ ही साथ ग्राम प्रधान ने बताया कि पीड़िता ने उनसे बताया है कि उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी और उसी के बाद ये मारपीट हुई है। घटना कनकपुर आंजर ग्राम सभा का भाग है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ। पहले डीजे पर सब लोग नशा करके दारू पी करके नाच रहे थे, उसके बाद कुछ लोग उसमें से मारपीट करना शुरू किया, जिसमें से एक गुम्मा पहले माइकू को मारा और फिर माइकू ये उसके प्रत्युत्तर में मारना चाहे, लेकिन तब तक उनकी तरफ से काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, जिससे उसकी लड़की माइकू की ज़्यादा चोट खा गई है और बाकी दूसरे पक्ष में कम चोट आई है, ये लड़की ज़्यादा चोट आई होगी। हाँ, ये लड़की बता रही है कि वो हमारा हाथ पकड़ के खतरे के बीच में ले जा रहा था, जिससे सारे लोगों ने विरोध किया तो उसी पर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि इस मामले में दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।